हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आऊँ आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेडिकल, जो कांस्टेबल के जिनके फिजिकल हुए हैं उनके मेडिकल होने वाले हैं और उन मेडिकल से संबंधित कुछ बातें लेके आऊँ आपके लिए। तो आप बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए मेडिकल से संबंधित कुछ बातें बता देता हूँ मैं आपको। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेडिकल, देखिए दोस्तों मेडिकल आपका कब से होगा। मेडिकल होगा आपको 17 जनवरी से, यानी कि आज से शुरू होगा आपका मेडिकल, और 26 जनवरी तक आपका मेडिकल चलेगा। 17 जनवरी से आपका मेडिकल होके शुरू होके और 26 जनवरी तक मेडिकल चलेगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखो इस टाइम पीरियड में 10 मेडिकल बोर्ड बनाए गए हैं, मेडिकल बोर्ड, जिनमें दो मेडिकल बोर्ड ऐसे भी हैं कि जो आपका मेडिकल को रिव्यू करवाएंगे, जिसको रेफर दिया जाएगा उसको रिव्यू बोर्ड जो होगा वो इनका मेडिकल करवाएगा वापसी, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ ये भी मैं बताता हूँ। एक लेटर सर्कुलेट हो रहा जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक CAPF कमांडेड है, CAPF कमांडेंट, एक कमांडेंट है जिनका नाम है डॉक्टर दीपक कुमार। डॉक्टर दीपक कुमार जी हैं, ये कमांडेंट हैं CAPF में। तो इनके साथ एक मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि ऐसे ऐसे इनको जल्द से जल्द इनका मेडिकल करवाना है। तो इन्होंने ये सलाह दी है कि कैसे कैसे क्या इनके मेडिकल कितने जल्दी हो सकते हैं। तो चलिए देखो, अब मैं मेडिकल से संबंधित कुछ हॉस्पिटल्स हैं और कुछ कितने कैंडिडेट बुला रहे हैं वो सब बता देता हूँ। और वो दो लेटर हैं जो भी मैं आपको दिखाऊँगा। मेडिकल बोर्ड हो गए 10, दिन में दो रिव्यू मेडिकल बोर्ड हैं। और मैं आगे बात करूं आपकी, मेडिकल हॉस्पिटल की, अगर मैं मेडिकल हॉस्पिटल की बात करता हूं आपके लिए, एक मिनट दोस्तों, देखो आपके लिए मेडिकल हॉस्पिटल क्या क्या होगा। पहले तो सबसे कॉमन बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जिनके पास मेल आया, फ़ोन आया, और जिनको बताया गया कि कल 17 जनवरी को आपको रिक्वायरमेंट भर्ती प्रकोष्ठ के वहाँ प्रेजेंट होना है, तो वो बहुत से संकोच में है, वो संकोच में ना रहे हैं। उनको एक फॉर्म नंबर है 37, ये फॉर्म नंबर 37 दिया जाएगा और ये इसको फिलअप करवाया जाएगा आपसे, ये फॉर्म नंबर 37 फिलअप करवाया जाएगा। और जिन कैंडिडेट का फिजिकल कंप्लीट हो रखा है वो फिलअप करेंगे और उनको हॉस्पिटल बता दिया जाएगा। उस हॉस्पिटल में जाके वो आज से ही यानी 17 जनवरी से उस हॉस्पिटल में जाके वो अपना मेडिकल के लिए वो जो पर्चा है वो दाखिला करेंगे वहाँ पे, और मेडिकल उनका आज शुरू हो जाएगा। और आगे मैं बात करूँ कि हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, तो हॉस्पिटल की भी मैं डिटेल देखो मैं दे देता हूँ। ये जो वार्नल जो लेटर है सर्कुलेट हो रहा है, इसमें देखो 4 मेडिकल हॉस्पिटल हैं, तो दोस्तों देख रहे हैं, तो दोस्तों ये 4 हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल के फिजिकल मेडिकल के लिए ये 4 हॉस्पिटल्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं। ये पहला है ITBP रेफरल हॉस्पिटल है लखनावती ग्रेटर कैलाश गौतम बुद्ध नगर में UP में। दूसरा है बेस हॉस्पिटल है टिगरी कैंप MGMB रोड न्यू दिल्ली में। तीसरा है BSF कैंप छावला न्यू दिल्ली का, और CRPF कैंप कंपोजिशन हॉस्पिटल है झाड़ूदा कला का। तो ये 4 हॉस्पिटल है, प्रत्येक हॉस्पिटल में एक दिन का 250 कैंडिडेट आएंगे फिजिकल मेडिकल करने के लिए। और तो वन डे के प्रत्येक दिन एक हॉस्पिटल 250 कैंडिडेट का मेडिकल पर डे करेगा, तो एक दिन के चारों हॉस्पिटल जो हैं वो 1000 कैंडिडेट का मेडिकल करेंगे। और
आगे मैं बात करूँ, जैसे ही 17 तारीख से 26 तारीख तक आपको 17 जनवरी से आपके 26 जनवरी तक मेडिकल चलते हैं, तो इनके बीच 17 जनवरी को 1000 पुरुष जो कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल किया जाएगा इन हॉस्पिटलों में। फिर 18 जनवरी को 1000 पुरुष मेडिकल 1000 पुरुष जाएंगे मेडिकल के लिए। 19 जनवरी को 1000 महिला, और जो 13 तारीख को फिजिकल किए थे, जिन कैंडिडेट ने 13 तारीख को फिजिकल किया था, क्वालिफाई किया था, उन पुरुष कैंडिडेट्स में भी कुछ यहाँ पे 1000 से जो अबाव हो जाएंगे वो कैंडिडेट्स यहाँ पे जाएंगे मेडिकल के लिए। किस तारीख को? 19 तारीख को। फिर आगे यही बात 20 को दोहराई जाती है कि जो 14 को 1000 फीमेल कैंडिडेट जाएंगी, और जो 14 तारीख को 1000 से अबाव कैंडिडेट रह जाते हैं मेल कैंडिडेट्स, वो 20 तारीख को मेडिकल करेंगे। फिर 21 तारीख को 1000 फीमेल्स, और जो 15 तारीख को जो कैंडिडेट्स 1000 से अबाव थे वो पुरुष कैंडिडेट भी मेडिकल इन महिलाओं के साथ करेंगे, और यही प्रोसेस आगे चलती जाएगी और आपके मेडिकल क्लियर हो जाएंगे। और जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड हैं ये दो जो बोर्ड हैं, ये 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को जिनको रेफर मिलता है उन कैंडिडेट्स का मेडिकल ये दो बोर्ड्स करेंगे। और ये दो बोर्ड्स आपको कैसा पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जब आपको रेफ़र देते तो इनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपको, या फिर आपको इनसे कांटेक्ट करना है कि मेरे को ऐसे ऐसे रेफ़र दिया गया है, मैं इस अब आगे मेरी क्या प्रक्रिया है कि मैं इस रेफ़र से संतुष्ट नहीं हूँ, तो ये रीमेडिकल करेंगे आपका, ये रीमेडिकल आपका करेंगे और उसमें देखेंगे कि रेफ़र सही दिया गया है या गलत, किस तरीके का रेफ़र है, तो उसी तरीके से आपको ये रीमेडिकल आपका करेंगे। ये दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।